राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने खरगोन की जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर सीधा निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में वोट डालकर सीधे मध्य प्रदेश पहुंचे। उन्होंने खरगोन जिले में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भारत गठबंधन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी साजिश चल रही है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर वाले फैसले को पलट सकती है, क्योंकि कांग्रेस नेता पाकिस्तान में प्यार दिखाकर एक विशेष समुदाय के वोट को मजबूत करना चाहते हैं। आगे पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता की बेशर्मी देखिए, बोलते हैं कि मुंबई के हमले में पाकिस्तान का हाथ है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि हम कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे सहयोगी ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने जनता से कहा कि अब आपको तय करना है कि देश में वोट जिहाद चलेगा या रामराज चलेगा। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने ओबीसी को मुसलमान बना दिया, अब उनकी नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर है। पीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन वाले सिर्फ अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंप कर जाने के लिए इन्हें आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडी वालों की एक फेवरेट कहावत है, मैं बताऊं आपको कि इंडी वालों के लिए कहावत फिट बैठती है, अपना काम बनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए, ये कौन कहता है? को ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 10 इंडिया।